जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण से अब तक मरने वालों की संख्या लगभग 3 लाख पहुंच गई है। शनिवार रात 11:30 बजे 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 2,41,474 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,741 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। संक्रमण की वजह से मरने वालों की कुल संख्या 2,99,266 हो गई है। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीज अब चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9,320 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। वहीं इससे होने वाली मौतों की संख्या 235 हो गई है। देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टर को भी सोच पर डाल दिया है। जिस युवक में ब्लैक फंगस संक्रमण पाया गया है उसको ना तो कभी कोरोना हुआ और ना ही उसने कभी स्टेरॉइड लिया था। जिले में 2 दिन के अंदर 3 केस सामने आए हैं जिनकी कोई कोविड हिस्ट्री नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों को ब्लैक फंगस संक्रमण कैसे हुआ। डॉक्टर एंजियोग्राफी की मदद से ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर किन कारणों से इन्फेक्शन हुआ है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज चल रहा है। इस समय बाबा रामदेव से जूनियर डॉक्टर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये नाराजगी बाबा रामदेव के एक वीडियो को लेकर है। इस समय पर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा ने कहा है कि एलोपैथिक इलाज से जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग गलत दवा और इलाज से मरे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि एलोपैथिक दवा फेविफ्लू, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड आदि सभी दवाएं फेल हुई हैं। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खिलाया जाता है मगर वायरस मारने की कोई दवा ही नहीं है। एलोपैथिक दवा और इलाज के खिलाफ बोलने से मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर काफ़ी नाराज हो गए हैं और उन्होंने ट्विटर पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ट्विटर पर #हैशटैग अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कराया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धा स्वर्गीय डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार से शनिवार को मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। सीएम ने बताया कि वे अस्पताल में लगातार मरीजों की सेवा कर रहे थे और उस सेवा को करते करते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई और परिवार का मनोबल भी बढ़ाया गया। वहीं स्वर्गीय मुजाहिद के पिता का कहना है कि उनका मन है कि उनका पूरा परिवार देश के काम आ जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये पहल बहुत सराहनीय है और इस तरीके की पहल पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए जिससे डॉक्टर और उनके परिवारों का मनोबल बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके इस रोने को नाटकीय करार दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर मोदी की तुलना मगरमच्छ से कर दी। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया और कहा कि मगरमच्छ तो कोर्ट की बेल पर बाहर बैठा हुआ है। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि मगरमच्छ निर्दोष है। राहुल गांधी का इशारा मोदी सरकार की ओर था। गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया था। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों को अब 1,000 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। प्रयागराज जिले में 3 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये श्रमिक ऐसे हैं जो पहले से श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त गैर पंजीकृत श्रमिकों को भी 1,000 रुपए भुगतान करने के लिए सरकार ने कहा है। इन गैर पंजीकृत श्रमिकों में रेहड़ी पटरी दुकानदार, रिक्शा ई रिक्शा चालक, नाविक,
कुली पल्लेदार, नाई, धोबी, मोची और हलवाई आदि आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल सचमुच एक सराहनीय पहल है, क्योंकि इस समय पर श्रमिकों का काम बिल्कुल बंद चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय पर उनको 1000 की ये आर्थिक मदद काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई अच्छी योजनाएं लाई गईं, परंतु हकीकत में वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाईं। कागजों पर वो पूर्ण रूप से चलती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ काफ़ी कम दिखाई दिया। अब देखते हैं कि आखिर श्रमिकों को दी जाने वाली सरकार की ये सहायता हकीकत के कितनी करीब पहुंच पाती है या फिर कागजों पर रह जाती है। टूल किट मामले में मोदी सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भी ट्विटर ने कई भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूलकिट तैयार किया था। भारतीय मीडिया और राजनीति में टूलकिट शब्द का प्रयोग कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बार किया जा रहा है, जबकि भारतीय राजनीति में इस प्रकार की हरकतें पहले भी होती चली आई हैं, बस उन्हें नाम नहीं दिया गया था। और अब वर्तमान मीडिया और राजनीति के द्वारा इस तरीके के कृत्यों के लिए टूलकिट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार को इस प्रकार की बातों में पड़ने की जगह अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना में हुई मौतों और संक्रमित लोगों पर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे लोगों की जान बच सके। कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक दलित युवक ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। दलित का कहना है कि गोनीबीडू पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने उसे थाने के अंदर जमकर पीटा और पूछताछ के दौरान पानी मांगने पर उसे जबरन पेशाब पिलाई। युवक ने इसकी शिकायत राज्य के डीजीपी से की है। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने के लिए माफ़ी मांगी है और वापस पार्टी में शामिल करने की गुजारिश की है। इस पत्र को गुहा ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। गुहा ने कहा है कि भावना में बहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूं दीदी। मैं माफ़ी मांगती हूं और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करती हैं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे वापस आने दें और अपने स्नेह की छांव में जीवन व्यतीत करने का मौका दें। गोहा 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्हें कभी मुख्यमंत्री का साया माना जाता था। तो आपने देखा, इस प्रकार से ये जो नेता होते हैं ये बहुत ही चापलूस होते हैं। कहीं किसी समय पर जब इन्हें लगता है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, भाजपा की आने वाली है, तो ये भाजपा की तरफ लुढ़क जाते हैं, और जब उन्हें लगा कि अब तो फिर से तृणमूल की सरकार वापस आ गई है, तो ये वापस फिर से पार्टी में लौट आने की गुहार लगा रहे हैं। तो ये होता है नेताओं का दोगलापन। IMA ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए योग गुरु रामदेव के वीडियो का जिक्र किया गया है, जिसमें वो एलोपैथी का विरोध कर रहे हैं। IMA ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा गया है कि या तो वे इस आरोप को स्वीकार करें और आधुनिक चिकित्सा सुविधा को खत्म कर दें, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस प्रकार से बाबा रामदेव इस समय पर IMA के निशाने पर आ चुके हैं
और IMA द्वारा सरकार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल की सुरक्षा के प्रति उनके प्रशासन की प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाकर द्वि राष्ट्र समाधान ही दोनों के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकता है। बाइडन की ये टिप्पणी तब सामने आई है जब एक दिन पहले ही इसराइल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा के साथ 11 दिन तक चला गया संघर्ष समाप्त हो चुका है। इसराइल और हमास के बीच चले 11 दिन के संघर्ष के बाद अब गाजा में धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। शनिवार को यहां कुछ कैफे दोबारा खुले, दुकानदारों ने अपनी दुकानों में झाड़फूंक शुरू की और मछुआरे समुद्र तट पर मछली पकड़ने पहुंचे। वहीं गाजा में मानवीय सहायता भी पहुंचने लगी है। शुक्रवार को मानवीय मदद के लिए ट्रक वहां पहुंचे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हजारों फिलिस्तीन अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, लेकिन हमलों में हुए नुकसान की भरपाई में सालों लग जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक खास कॉरिडोर बनाने की मांग की है जिसके जरिए वहां से घायलों को इलाज के लिए बाहर निकाला जा सके। हमास और इसराइल के संघर्ष में गाजा में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं इसराइल और गाजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब दोबारा संघर्ष शुरू हो जाए। यहाँ संघर्ष शुरू होने में वक्त नहीं लगता है। इसराइल के साथ 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा सिटी में राइफलें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया और समूह का शीर्ष नेता पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया। शनिवार पूर्ण रूप से संघर्ष विराम का पहला दिन था। इस दौरान मिस्र के वार्ताकारों ने संघर्ष विराम को टिकाऊ बनाने के लिए वार्ताएं की। सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने परेड निकाली और लड़ाई के दौरान अपने वरिष्ठ कमांडर बासिम ईसा की मौत पर शोक व्यक्त किया। गाजा में हमास का शीर्ष नेता यहया सिनवार लड़ाई शुरू होने के बाद से पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं।